ज्यादा मैचेस है तो T1 टीम्स को एडवांटेज मिलेगा बोल सकते हो, बट यार मेरे को लग रहा है अभी देखो जब एडमिन्स वेडमिन्स लोगों के घर पे है तो आई थिंक सारे लेजिट वे में ही खेल रहे हैं, और बहुत बहुत कंपटीशन हाई है यार, बहुत कंपटीशन हाई है ऑनेस्टली। मतलब अगर आप पॉइंट्स टेबल भी देखोगे मेरे को लगता है कि बहुत टीम्स बहुत अच्छा खेल रही है अभी, मतलब लॉबी में ज़्यादा गैप नहीं दिख रहा है मेरे हिसाब से। तो जो 8 टीम्स ऑलरेडी क्वालिफाई कर गई हैं और जो 8 टीम्स आने वाली है, मेरे को लगता है फाइनल्स बहुत क्रेजी होने वाला है, बहुत क्रेजी होने वाला है। मतलब मोगो ने अपना फॉर्म वापस ढूंढ लिया है, रेकनिंग जो एक अंडरडॉग लाइनअप है वो बहुत अच्छा खेल रही है, तो मेरे को डेफिनेटली लगता है जब फाइनल आएगा, लैन आएगा, जो 16 टीम्स वहाँ पे खेलेंगे, दिस कुड प्रोबेबली बी वन ऑफ द मोस्ट कम्पेटिटिव इवेंट्स वी हैव सीन, ऑफिशियल कम्पेटिटिव इवेंट्स ऑन लैन वी हैव सीन इन अ लॉन्ग टाइम। मेरे हिसाब से बहुत कंपटीशन का लेवल मेरे हिसाब से बहुत 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 हाई रहेगा। मर्सी के लिए खुशी लग रही है। हाँ मतलब 8-bit भी अगेन मैं वही बोल रहा था अच्छा ही खेली है, मेरे को नहीं लगता वो लोग खराब खेले। एक दो मैचेस जहाँ थोड़े ज्यादा पॉइंट निकालने चाहिए थे वो लोग ने थोड़ा सा हक दिया, तो 19-20 की वजह से आई थिंक वो लोग का सेमीज का स्लॉट गया है, बट मेरे को लगता है कि वो लोग सेकेंड वीक से डेफिनेटली कर पाएंगे। बट फॉर श्योर यार ये वाला जो हैदराबाद का इवेंट होगा मेरे हिसाब से तो बहुत क्रेजी और बहुत कंपेटिटिव होगा, बहुत कंपेटिटिव होगा। क्योंकि पहले होता था ना कुछ टीम्स बहुत अच्छा खेल रही होती थी और कुछ टीम्स एकदम ही मतलब लॉबी में डिफरेंस दिखता था, इस बार मेरे को लगता है एटलीस्ट 50% ऑफ द लॉबी और 60% ऑफ द लॉबी इज प्लेइंग सुपर वेल, 50 और 60% ऑफ द टीम्स आर प्लेइंग सुपर वेल। तो वेरी एक्साइटेड टू सी द लैन इवेंट, ऑब्वियसली होपिंग वी विल विन, बट एक्साइटेड टू सी द कॉम्पिटिटिवनेस इन द लैन इवेंट। टीएक्स फॉर द विन, इफ दे विन विल बी हैप्पी फॉर स्काउट, एब्सोल्युटली। मतलब एंड ऑफ द डे देखो मेरे मेरे भाई का प्रोजेक्ट है, वो मेरे भाई की कंपनी है, वो मेरे भाई की टीम है, तो एनी सक्सेस दैट दे गेट आई विल बी हैप्पी फॉर इट। ऑब्वियसली आई वुड प्रीफर फर्स्ट की आईकू सोल जीते, और वो भी प्रीफर करेगा कि TX जीते, बट इधर और में से कोई भी जीता वी विल बोथ बी हैप्पी फॉर ईच अदर। वो रिलेशनशिप है और वो रिलेशनशिप ऑब्वियसली हमेशा रहेगा।